আছে টিচারদের আরো 5000 আমি ক্যাবিনেটে করেছি মা বোনেরা বাংলায় বলবো হিন্দিতেও বলবো যাতে আসানসোল কসমোপলিটন সবাই বুঝতে পারে আপনারা জানেন আসল চালাকিটা কি 4 মাসের ট্রেনিং দেবে ট্রেনিং পাবে কারা 100 জনের মধ্যে 4 জন সাধারণ যুবকরা পাবে না ওদের লোকেরা পাবে শাখা পোশাকার আর তারপর 4 বছর বাদে বলছে তুমি ঘুরে বেরিয়ে কাজ জোগাড় করো এবার একটা মজা শুনবেন আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে কোন একজন কর্নেল ভাই তাকে আমি রেসপেক্ট করি আমি আর্মিকে অলওয়েজ রেসপেক্ট করি খেলাটা শুরু করেছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যতদূর আমি জানি ফেস লস হয়েছে দেশ নিয়ে আগ জ্বালায় অগ্নিপথ কে লিয়ে इसी के लिए ये लोग चालाकी करके आर्मी को सामने में रख दिया लेकिन क्या कर रहे हैं आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा कर्नल बाबू ने लेटर लिखा मैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं इज्जत करते हैं लेकिन क्या लिखा मीडिया को पता है कोई मीडिया को अभी पता है क्या लिखा और स्टेट गवर्नमेंट को मेरे तो पास एक लेटर आया वो लेटर में लिखा जो 4 बरस में काम करेंगे लोग उसका बाद हमारा डाटा बैंक आप रख दीजिए और आप स्टेट गवर्नमेंट उसको नकड़ी दे दीजिए समझिए हम उसको बीजेपी का वर्कर को हम नकड़ी दे देंगे हमारा नकड़ी देने के कोई एतराज नहीं है अगर हमारा नकड़ी है तो हमारा स्टेट का लड़का को हम देगा हमारा स्टेट का लोकल का हम जरूर देंगे जो भी हमारा जरूर होता है कानून कानून मान के लेकिन तुम्हारा पाप हम क्यों ले तुम्हारा पाप हम क्यों ले तुम 4 साल के लिए लेंगे उसके बाद स्टेट का ऊपर छोड़ दिया जे स्टेट आप ले ले हो हम तो ऐसे बहुत लेते हैं तुम्हारा 60,000 हम तो 60 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ बनाते हैं तुम्हारा उधार में कोई करने का जरूरत नहीं है झूठा क्यों बोलते हैं 4 साल बाद में अगर हमको लेना है तो ये बात याद रखिए हमारा इधर में यंग लोग कम नहीं है जो लोग नौकरी मांगते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देंगे हम तो एक सर्विसमैन को लेते हैं लेकिन एक सर्विसमैन कौन होता है जो पूरा जिंदगी काम करके आता है और इधर में 4 महीना ट्रेनिंग मीन्स 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन तक लेंगे उसके बाद सब बाड़ी जाओ सब केला खाओ सब लॉलीपॉप लो और जाके स्टेट गवर्नमेंट का पास में जाओ इतना आसानी जिंदगी नहीं होता है ये बहुत बड़ा स्कैम है इसी के लिए बहुत बड़ा स्कैम है कि 4 बरस के लिए चाकरी का कोई जरूरत नहीं है 4 बरस का चाकरी 60 साल तक देना चाहिए नहीं तो चाकरी देने का नाम पे आप झूठा खेला मत करो 60 साल तक देना चाहिए उसका बाद उसको पेंशन मिलेगा लेकिन उसका बाद नहीं बसु বসুন বসুন কালকে কথা বলেছি আপনাদের সাথে বসুন বসুন কালকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলেছি অলরেডি কোটে যান এটা কোটে আছে আমি আবার বলি এরা প্রতিদিন একটা নাটক করে বেড়াচ্ছেন কেউ কেউ বিজেপি এবং সিপিএম এর লোকেরা আমার 17,000 চাকরি রেডি হয়ে পড়ে আছে কিন্তু কোর্ট আদেশ কোর্ট যেহেতু সব কিছু প্রসেস নিজে দেখছেন তাই আমার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আমি যদি কোর্টকে দিয়ে আপনারা অর্ডার করিয়ে আনতে পারেন আমি নিশ্চয়ই করব আমার কোনো আপত্তি নেই প্রত্যেকটা
मीटिंग के सामने बसे पॉलिसीटा जेटा धरेछे एटाके चेंज करुन आर मीडिया के अनुरोध करब मीटिंग गुलोते एइभावे लक्ष लोकेर काछे चार जन एसे कि करलो सेटाके निये आपनारा बार बार अंत करवार चेष्टा करबेन ना। আর্মির যতটুকু রেস্ট্রিকশন আছে সেই পর্যন্ত আপনাদের করতে হবে।
আপনার ডাস্টবিন আমি নিয়ে ভ্যানিশিং করব, আমি নিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ফেলতে পারবো না। এটা বিজেপির ডাস্টবিন, বিজেপির ডাস্টবিন, বিজেপিকে ক্লিয়ার করতে হবে। আমি বিজেপির ডাস্টবিন ক্লিয়ার করব না, বিজেপির ডাস্টবিন ভ্যানিশিং স্কিমের মতো আপনারা ভ্যানিশ করুন। আজকে সারা বাংলা জুড়ে এইসব চলছে, কি হয়নি আপনার?